हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप तो आप ज़रूर से कर ही रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो व्यूअर्स, जितना जल्दी हो सके करना शुरू कीजिए। एटलीस्ट एक माला आप नाम जप ज़रूर कीजिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि आपको ये जीवन प्रदान किया। आप आज जो भी हैं, जो भी कर पा रहे हैं, आप वो सभी ईश्वर के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं। एटलीस्ट एक माला आप ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए ज़रूर से कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं आज आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। और ये जो भी रीडिंग्स रहती हैं वो टाइमलेस रहती हैं, तो जब भी आपके सामने वीडियो आएगा तो डेफिनेटली इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा व्यूअर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओ माय गॉड, देखिए पहला ही कार्ड आया है नरसिम्हा। तो नरसिम्हा आप सभी, हम सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार है। तो जब सबसे पहले ये कार्ड जब आता है ना, तो एक ही थॉट मन में आता है कि आपके जीवन में व्यूअर्स जो भी एविल एनर्जीज है ना, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर यूज़ की है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो जिस भी तरह की नेगेटिविटी आपके लिए यूज़ की गई है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, नष्ट हो रही है। ओके, और जिसने भी की है ना, उसकी तरफ रिटर्न हो रही है, उसे कर्मा बैक ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, जिसने भी आपके ऊपर ये किया है। ओके, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एनर्जीज यूज़ की हैं। और अगर जो व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो व्यूअर्स है ना, ये नेगेटिविटीज़ जो हैं यूज़ करते ही रहते हैं। अगर आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक पर्सन है, तो ये उनके द्वारा भी यूज़ की जाती है। ओके, ये जर्नी का ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कह सकते हैं कि इसके द्वारा ट्रिगर दिया जाता है। ओके, इसके द्वारा डिवाइन फेमिनेंस को ट्रिगर दिया जाता है ताकि वो और अच्छे से अपने ऊपर फोकस कर सके और अच्छे से ईश्वर से कनेक्शन बना सके। ओके, तो यही वजह होती है कि हमें बार बार ट्रिगर दिया जाता है, डिवाइन फेमिनेंस को ट्रिगर दिया जाता है। या फिर आप जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आपके जीवन में ऐसे पर्सन आते ही रहते हैं, है ना, डेली लाइफ में कोई ना कोई, आपके वर्क प्लेस में, आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई ना कोई पर्सन ऐसे होते ही हैं जो मतलब ऐसे होते हैं ना कि दिखाते तो बहुत अच्छा है कि वो खुश हैं, बट वो उनके अंदर चल कुछ और ही रहा होता है ना। वो एक्चुअल में आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। आप जिस भी तरह से अपने ईष्ट को याद कर रहे हैं ना व्यूअर्स, तो उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव, और आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो रही हैं। तो और आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, आप खुद पर काम कर रहे हैं ना, अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, और आप जब कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ पर होना ही होना है ना, आपकी हेल्थ पर, आपकी ग्रोथ पर, आपकी अबंडेंस पर होना ही होना है। और यहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो आपके आसपास के लोग जो नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, एविल एनर्जीज रखते हैं, है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए खुश ही हो रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा दिखा रहे हों कि वो काफ़ी खुश हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको बच के रहना है, और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको ऐसे लोगों से बचा ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नरसिम्हा देवा जी का कार्ड आया है। तो नरसिम्हा भगवान जी आपको नेगेटिविटी से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये कार्ड, नरसिम्हा भगवान जी ने हिरण्य कश्यप का संहार किया था ना उसने, क्योंकि भक्ति के मार्ग में जो भी अड़चने आती है, भक्ति के मार्ग में जब एक भक्त के मार्ग में कोई अड़चने उत्पन्न करने की, अड़चने पैदा करने की कोई कोशिश करता है, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे वो कितना भी ट्राई कर ले ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ होते हैं, आपके ईष्ट आपके साथ होते हैं इस भक्ति के मार्ग में। ओके, तो मुश्किल ज़रूर होता है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको आपके ईश्वर कभी हिम्मत नहीं हारने देते, आपको कभी गिव अप नहीं करने देंगे। इन मुश्किलों से निकलने का आपको कोई ना कोई सलूशन आपको ज़रूर से दिया जाता है। ओके व्यूअर्स, तो
ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अंदर की स्ट्रेंथ को, अंदर के करेज को पहचानना है, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना है। ओके, आप यहाँ पे ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, तो आपको डर के नहीं रहना है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद देखिए ये दो कार्ड साथ में ही आए थे, नरसिम्हा जी के साथ में परशुराम जी का कार्ड। तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड पे मैसेज भी लिखा है स्लेयर ऑफ डीमंस। तो आपकी लाइफ में जो डीमन एनर्जीज थी ना, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो तो यहाँ पे ख़त्म होंगी पूरी तरीके से, उनका तो संहार हो जाएगा। यहाँ पे जो नरसिम्हा भगवान जी हैं वो पूरी तरीके से संहार कर देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये पर्सन भी हो सकते हैं, इन पर्सन से भी आपको आपको भी दूरी बना के रखनी है। ओके व्यूअर्स, यस। और साथ में व्यूअर्स यहाँ पे आपको भी है ना मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत से आपको घबराना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई काम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है ना। ये एफर्ट्स जो आप डाल रहे हैं ना, वो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रहे हैं। ओके, तो आप लगे रहिए, आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, है ना, जो भी पर्पज़ है आपका, कोई ना कोई आपके मन में डेफिनेटली सवाल होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई तो चीज़ होगी आप जिसका सवाल आप ढूंढ रहे होंगे, तो यहाँ पे तभी आपके स्पिरिट गाइड्स इस वीडियो तक आपको लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपनी वर्थ पर आपको भरोसा रखना है, अपनी वर्थ पर डाउट नहीं करना है। आप किसी से कम नहीं हैं, आप अपने आप में कंप्लीट हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं, आपके साथ ईश्वर है, आपके अंदर स्वयं ईश्वर बैठे हैं, तो आपको किसी बात से डरना नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेज आया है अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, तो यहाँ पे अल्टीमेटली जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपने सेक्रीफाइस किया, बहुत एफर्ट्स जिस चीज़ में डाल रहे हैं वहाँ पे फाइनली जस्टिस आ रहा है। ओके, और उसी के साथ में यहाँ पे आपके अंदर की, देखिए अभी कहा ही था मैंने कि आपके अंदर की वॉरियर स्पिरिट को जगाया जा रहा है, क्योंकि आप है ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो डरना नहीं है आपको व्यूअर्स। क्यों डरना है, आपके साथ ईश्वर है ना, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी पूरी डिवाइन एनर्जीज हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, लगे रहिए, है ना, लगे रहिए, जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है व्यूअर्स। बस हम क्या करते हैं ना, हम खुद पे डाउट करने लगते हैं मेहनत करते करते, मतलब हम खुद पे ही डाउट करने लगते हैं, वो नहीं करना है आपको। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आया है भूमि, मदर अर्थ। वाओ, तो मदर अर्थ स्वयं यहाँ पे आई है आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ। तो यहाँ पे देखिए मदर अर्थ, सबसे पहले तो आपको यही फिर से अगेन यही मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी आप सोकर उठते हैं ना, फर्स्ट आप जो प्रणाम करते हैं वो धरती माँ को कीजिए, है ना, क्योंकि धरती माँ ही है जिन्होंने हमें संभाला हुआ है। और यहाँ पे आपको ये मनुष्य जीवन दिया गया है और आपको स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है, तो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए ही दिया गया है ये जन्म, क्योंकि ये जर्नी आपको मदर अर्थ की वाइब्रेशंस हाई करने के लिए दी गई है। तो व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और नहीं भी हैं, तो ये हमारा सबका कर्तव्य होता है, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी मदर अर्थ के लिए काम करें, है ना। अगर आप फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, मदर अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए, मदर अर्थ को लव एनर्जी सेंड करने के लिए इस कुछ ना कुछ आप नाम जप करिए, है ना। तो ये आप करेंगे ना, तो ये इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आप मिलेगा, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होगा। और ये आपके लिए आज ये गाइडेंस है। ओके व्यूअर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ना नेचर से कनेक्ट होइए, आइसोलेटेड मत रहिए। कोई काम कर रहे हैं तो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प लीजिए, है ना। अगर आपको किसी से कुछ कहना है, कुछ मन की बात कहनी है, तो कह दीजिए, उसे मन में मत रखिए। मन में ये रखने से क्या हो रहा है, वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, आपका हर्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है इससे। ओके, तो जो भी मन में है ना वो आप कहिए। अगर आपको किसी से क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेना है, कुछ ऐसा आपको नहीं करना है जिससे थोड़ा आपको, मतलब कहते हैं ना, दूर का सोच करके करना है।
ऐसा भी नहीं करना है कि आगे बात बिगड़ जाए, उस तरीके से आपको थोड़ा समझदार से काम लेकर के कोई ना कोई डिसीजन जो आपको लेना है वो लीजिए। क्लैरिटी लेनी है किसी से तो क्लैरिटी लीजिए, है ना। लेकिन अपने मन की बात डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड से या आपके जो भी कोई क्लोज वन हो, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, कोई ऐसा आपके लाइफ में हो जिससे बात करके आपको बहुत पॉजिटिव फील होता हो, है ना। सबके साथ नहीं करने अपने दिल की बात, या फिर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, अगर आप जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उन्हें सबके साथ शेयर नहीं करना है। आपके कोई गाइड हैं, आपके कोई मेंटोर हैं इस जर्नी में, जिनकी गाइडेंस में आप ये कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए। और अगर कोई नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईश्वर से बातें कीजिए ना, उन्हें शेयर कीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। तो और आप ईश्वर को बताएंगे तो आपको कोई ना कोई और उसके आगे का पाथ आपको गाइड, उस आगे के पाथ के लिए, आपके जर्नी के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको आपको जिस भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है व्यूअर्स, वो गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी ना। तो अपने ईश्वर से कहिए, यूनिवर्स से बातें कीजिए। मेडिटेशन के दौरान 10 मिनट्स एटलीस्ट आप ईश्वर को दीजिए, अपने ईष्ट को दीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। ओके, मेडिटेशन आप कीजिए। आप मेडिटेशन 10 मिनट्स आप बैठ जाइए, आंखें बंद करके अपने थर्ड आई चक्र पर फोकस कीजिए, वहाँ पे मेडिटेट कीजिए और कंटिन्यूसली वहाँ पे ध्यान लगाते हुए अपने ईष्ट का नाम जप करते रहिए। ओके, ऐसा आप डेली करिए। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप खुद ही यहाँ पे एक स्टिलनेस ऑफ माइंड होती है ना, पीस ऑफ माइंड, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, अपने ईष्ट से, अपने ईष्ट की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप खुद इतना पॉजिटिव फील करेंगे कि आपको खुद अच्छा लगने लगेगा जब आप ऐसा करने लगेंगे, क्योंकि आप कनेक्शन फील करने लगेंगे अपने ईष्ट से, और आपके अनुभव, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंक्रीज होगी, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो यहाँ पे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होती हैं उससे, और डेफिनेटली आपकी होने ही वाली है। यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाला है उस, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं। ओके, मदर अर्थ के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट नाम जप ही कर दीजिए, जो आपको अभी रीडिंग के दौरान बताया व्यूअर्स, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट और क्या मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स का, देखते हैं व्यूअर्स। आप जो बहुत मोटिवेशनल कमेंट्स करते हैं ना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका थैंक यू सो मच, आप जो इतने ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे रीडिंग को सुन करके, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो मैं आज ये कर पा रही हूँ, आपकी और ईश्वर की बहुत आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखिए, ताकि मैं और अच्छे से आपको आपके स्पिरिट गाइड्स के, ईश्वर के, डिवाइन के मैसेजेस डिलीवर करते रहूं। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है जगन्नाथ जी का। वाओ, देखिए जगन्नाथ जी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओ माय गॉड, यूनिवर्स स्वयं ही आ गए हैं आज तो, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। देखिए कार्ड ही कितना सुंदर है, आप देख रहे हैं ना, कितनी ग्रीन ग्रीन और सब कितना पॉजिटिव लग रहा है। इसको फील करके आप देखिए, इस कार्ड की पॉजिटिविटी को आप फील करिए, कितना अमेजिंग एनर्जीज आप फील कर पाएंगे ना, अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो ज़रूर कीजिए पॉज करके। और बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे जो भी व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुँच रहा है, ये वीडियो पहुँच रहा है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पाथ पर तो हैं ही, आप डिवाइन सोल्स हैं, आप बहुत प्योर सोल्स हैं, आप एक ऐसी सोल हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है ना, आप हमेशा हर किसी का अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन अब आपको ये कहा जा रहा है कि अच्छा, आपने बहुत सोच लिया है, अनकंडीशनल लव भी आपने बहुत दे लिया है, अब आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि अगर आप सिर्फ देते ही रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद खाली हो जाएंगे, है ना। तो वो समय नहीं आने देना है, पहले अपने आप को फिल करिए, अपना कप फिल करिए, उसके बाद आप दूसरों को अनकंडीशनल लव दीजिए जितना भी देना है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये भी नहीं है कि आप देते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं अनकंडीशनल सबके लिए, ना वो भी नहीं करना है आपको। आज के टाइम में ऐसा समय नहीं है, ये कोई सतयुग नहीं है ना,
कलयुग है यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में, आपको अपने आप को भी संभालना है, अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करके रखना है। पहले खुद को संभालना है, उसके बाद अगर आपके पास इतनी है तो आपको देना है, ओके। लेकिन ईश्वर के प्रति आपको समर्पित रहना है, ईश्वर के लिए तो आपको डिवोशन तो आपको बनाए रखना है, भक्ति आपको करनी ही करनी है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, नाम जब आपको करना ही करना है, ओके व्यूअर्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवोशन टू कृष्णा, वाह होती कि जो जो भी डिवोटीज़ हैं, जो भी कृष्णा जी के डिवोटीज़ हैं ना, उन्हें कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी भक्ति से बहुत खुश रहते हैं। आप जिस भी तरीके से याद करते हैं, चाहे थोड़ा भी याद करते हैं उन्हें, तो वो प्रार्थना, वो प्रेम उन तक ज़रूर पहुँचता है। आप ये ना सोचें कि आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, भक्ति भक्ति ही होती है। अगर आप क्षण भर के लिए भी अपने ईश्वर को याद कर लेते हैं बहुत ही प्रेम से, तो वो प्रेम जो है ईश्वर तक ज़रूर पहुँचता है, आपके इष्ट तक ज़रूर पहुँचता है, ओके। और यहाँ पे देखिए जो भी व्यूअर्स है यहाँ पे, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है डेफिनेटली, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको ईश्वर से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ओके। आप जिस भी तरीके से अपने ईष्ट से कनेक्शन बना रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन बना रहे हैं ना व्यूअर्स, तो वो स्ट्रांग कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन रहा है, ओके। और यहाँ पे मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि आपके पर्सन से यहाँ पे आप 5D में कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज़ को फील कर पाते हैं, इस तरीके से आप कनेक्टेड हैं, ओके। डिवाइन फेमिनाइंस तो फील कर ही पाती हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन भी आपकी एनर्जीज को काफ़ी अच्छे से फील कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप 5D में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, ओके। और जब ऐसा होता है तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि आप कुछ भी ऐसा ना सोचें जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन सोचें, क्योंकि मिररिंग होती है इस जर्नी में। तो बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत मोटिवेशनल बातें ही सोचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मन में चैंटिंग करते रहिए अपने ईष्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना चैंटिंग करते रहिए, ताकि आप नेगेटिव थॉट से बचे रहें, क्योंकि आप जो नेगेटिव सोचेंगे वही मैनिफेस्ट हो जाता है। एक बार सोचने से तो नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग करेंगे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है ना, वही रियलिटी में भी बदल जाती है, तो वैसा आपको नहीं करना है व्यूअर्स। वाओ, एक कार्ड और लेते हैं व्यूअर्स, एक मैसेज और आपके स्पिरिट गाइड्स का, एक मैसेज और लेते हैं, एक मैसेज और। सुभद्रा, देखिए सुभद्रा जी जो हैं आप जानते होंगे, कृष्णा जी की बहन थी, कृष्णा जी की सिस्टर थी। तो यहाँ पे जब ये कार्ड आए हैं, तो जिस तरीके से कृष्णा जी ने सुभद्रा जी की, अपनी सिस्टर की मैरिज करवाई थी, है ना, अगर आपको वो इंसिडेंस पता हो, तो कृष्णा जी ने अपने सिस्टर सुभद्रा जी की मैरिज करवाई थी। तो वो मुझे ये इंट्यूशन यही आ रहा है इस कार्ड से, तो कि आप अगर मैरिज के लिए किसी काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, नहीं हो रही थी, तो मैरिज आपकी ज़रूर होगी। और यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन भी बहुत जल्दी नज़दीक है, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट से ही। और अगर आप टू लवर्स हैं, आप जिनको माइंड में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ऐसा पूरा विश्वास है अपने मन पर कि यस यही मेरे पर्सन है, तो यस ये कंफर्मेशन है इस बात का कि आपकी इस लाइफ बर्थ में उनसे मैरिज ज़रूर होगी, आप यूनाइट ज़रूर होंगे। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है ना। और ये ब्लेसिंग्स क्यों दी जा रही है, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, आपकी भक्ति से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, ओके। और यहाँ पे आपके लाइफ से जो भी इल्यूजन है ना, वो यहाँ से निकल रहे हैं। इल्यूजन मतलब अगर आपको, आपके पर्सन को यहाँ पे इस जर्नी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इल्यूजन थे ना उनके माइंड में, वो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। वाओ, थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पे अगेन आया ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। तो जो भी व्यूअर्स कृष्णा जी के भक्त हैं यहाँ पे, उनको तो बहुत 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 आशीर्वाद मिल रहा है आपके कृष्णा जी का। और जो नहीं भी है ना, तो आपके यहाँ पे जो भी ईष्ट भगवान जी, उनका आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और साथ में यहाँ पे आपके यूनियन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग आपके लिए।
आई होप आपको अच्छी लगी हो। आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस बहुत पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेशनल थे, और साथ में मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स के साथ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स श्री जगन्नाथ भगवान जी, नरसिम्हा भगवान जी सभी आपको आशीर्वाद देना, और स्पेशली कृष्णा जी तो यहाँ पे दो बार आए हैं कार्ड्स में, तो डेफिनेटली आपको कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। माँ के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग रीडिंग है आज यहाँ पे, बहुत अमेजिंग एनर्जीज हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी है ना। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ें, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ें, आपको ईश्वर प्राप्त हो, मैं तो यही चाहती हूँ हर पर, मेरा तो यही इंटेंशन रहता है कि सभी को ईश्वर की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर चलें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ये थी आपके लिए आज रीडिंग। तब तक आप अपना ध्यान रखिए इसी तरीके से, और नाम जप करिए, बहुत अच्छे से नाम जप करिए ना। हाँ, और हाँ, कुछ व्यूअर्स का सवाल था कि नाम जप किनका करें, तो व्यूअर्स आप जिनको भी अपना ईष्ट मानते हैं ना उनका आप नाम जप करिए ना। उसके लिए आपको बहुत, मैं आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत सारे भगवान जी को पकड़ के सबका नाम जप करना है, किसी एक भगवान को, किसी एक ईष्ट भगवान को जिनको आप पूरी श्रद्धा से मानते हैं, अगर काली माँ को मानते हैं तो उनका मंत्र जाप ओम क्रीम कालिकाय नमः, राधा कृष्णा जी को मानते हैं तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा, या सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, जो भी आपको इंटिटिवली फील हो ना वो आप करिए ना। लेकिन एक नियम बना लीजिए रेगुलरली, वो आपको करना ही करना है, जितनी बार भी आप कर सके है ना, आपकी जो कन्वीनियंस हो वो आपको डिसाइड करना होगा, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट करिए है ना, करना ज़रूरी है। मैंने भी 555 देखा जब मैं कह रही हूँ कि करना ज़रूरी है, तो व्यूअर्स करना ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स ने कन्फर्म किया है आपके लिए, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए है ना। यूनिवर्स आपको आते हैं यहाँ पे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत मोटिवेट करने के लिए आते हैं ताकि आप सही पाथ पर चलें। आप ऑलरेडी सही पाथ पर हैं, बट आप उस पाथ से डगमगाएं नहीं, घबराएं नहीं। ओके, और जो भी आपके विशेस हैं वो तो सही टाइम पर विश फुलफिल होनी ही है ना, तो उसके लिए आप डेस्परेट नहीं हो। डेस्परेशन जो होता है ना वो एक ब्लॉकेज का काम करता है, किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो अब तक आनी ही आनी है। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो रियूनियन तो होना ही होना है ना, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन रियूनियन, क्लाइमैक्स इसका रियूनियन ही होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करते हैं, जिस भी तरीके से आप यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देते हैं उस तरीके का यूनियन डेफिनेटली आपका होता है ना। बट यूनियन ही इस जर्नी का जो है पर्पज़ नहीं है। ओके, यूनियन पाना ही इस जर्नी का पर्पज़ नहीं है, इस जर्नी का पर्पज़ है ईश्वर को पाना। आप दोनों एक सोल, दो सोल में सेपरेट इसलिए किया जाता है ताकि जो कर्मा बैगेजेस होते हैं वो जल्दी जल्दी दोनों सोल्स मिलकर के रिलीज़ कर सके है ना। एक सोल बहुत सारे कर्मास को एक साथ रिलीज़ नहीं कर पाएगी, काफ़ी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तो कुछ सोल्स को ऐसा ईश्वर जो है, ईश्वर की कृपा होती है उन पर कि उनके कर्मास के ऊपर है ना, पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उनके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ सोल्स को ऐसी ईश्वर की कृपा होती है कि ईश्वर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी देते हैं, शिव शक्ति की जर्नी देते हैं ताकि वो अपने कर्मास को रिलीज करके इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ओके, तो व्यूअर्स रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, बट यूनिवर्स चाहते थे किसी को गाइडेंस की ज़रूरत थी शायद, तो ये जिनको भी ज़रूरत होगी यूनिवर्स उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।